असी हुण सीलन लाण लगे हाँ। इहनू पहले धोता सी, साफ करता सी सारे ड्राइवे नू, यानी कि वॉश किया सी पावर वॉश दे नाल, और हुण मैं बलोर दे नाल लैने, यानी कि अपना गोरिया वाला जिहड़ा झाड़ू होंदा उहदे नाल मैं उहदे नाल मैं पहले इहनू थोड़ा साफ कर लवां, यानी कि मिट्टी उड़ा लवां, फिर उस तो बाद असी इह सीलर लगावांगे। डेबरीज है ना, यानी कि कूड़ा जोड़ा है, कंकड़ियाँ वगैरह सारिया जो देखो वो असं कड़ रहे हैं। Stir it very well. So, because when you stir it, वो जो नीचे बैठा होता है ना वो सारा मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें सीलर लगाने के बाद ये वाइपर के साथ फर्क देखें, ये जो पहले था और बाद में। तो इसे ये कि जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ेगी और काफ़ी बारिशें होती हैं, बर्फ़ पड़ती है, तो ये सीलर जो उनसे है वो पानी को या बर्फ़ को नीचे नहीं जाने देता उसके अंदर, क्योंकि अगर वो क्रैकों के अंदर से अगर पानी चला जाए तो या बर्फ़ जानी शुरू हो तो फिर ये हमारा जो ड्राइवे है ये उखड़ना शुरू हो जाता है, इसमें ज़्यादा क्रैक आते हैं। तो ये किस्म का सीलर है जैसे। अच्छा, ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया और ये अभी रहता है, वो आप पाँव पर ना आ जाए आपका, और फिर उसके बाद ये मैं सीलर खुद लगा रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लग चुका हुआ, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये सारा लग जाएगा। तो अपना फिर उसके बाद आपको एंड रिज़ल्ट देखें कैसा लगता है। ये ड्राइवे सीलर को लगे हुए तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं और ये ड्राई हो चुका हुआ है। इस पर आप चहलकदमी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि इस पर आप गाड़ी मत चलाएं 24 घंटे तक, यानी कि कल सुबह इंशाल्लाह गाड़ियाँ हम अंदर लेके आएंगे, सुबह तक हम ये इस पर स्वाय चल रहे हैं।